कॉन्स्टिट्यूशन 184 में है कि सोमोटो एक्शन कौन लेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन लेगा व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट आर देयर इज सम वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इज इन्वॉल्व्ड। सो इन दैट सर्कमस्टांसिस द सोमोटो एक्शन कैन बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 186 में है कि सुप्रीम कोर्ट कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एज वेल एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सोमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, चीफ जस्टिस ले सकता है और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन लास्ट ईयर इस पर एक जजमेंट आ गई, उस जजमेंट की बुनियाद पर सोमोटो एक्शन लेने के जितने भी इख्तियार थे इट वॉज गिवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दैट ओनली द चीफ जस्टिस हैव द पावर टू टेक सोमोटो एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन मैटर्स विच आर मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस। सो अब जो एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के तहत एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कि हु विल टेक सोमोटो एक्शन, हु विल बी इन द बेंच, द बेंच विल बी प्रिजाइड बाय होम। सो ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये स्पेसिफाई नहीं था कि सोमोटो एक्शन कौन ले सकता है, तो अभी इस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ने इसको स्पेसिफाइड किया, इलाबोरेट किया और प्लस एक्सप्लेन भी कर दिया, जिसकी बुनियाद पर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो सोमोटो एक्शन था अब ये रेगुलेट होगा। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि इसी सोमोटो एक्शन के बाद अगर कोई सोमोटो एक्शन ले उसके बाद अगर कोई डिसीजन आ जाए तो उसी डिसीजन पर विद इन 30 डेज़ अपील होगा और विद इन 15 डेज़ में वो अदालत के सामने लग जाएगा। फिर उस पर आर्गूमेंट्स होंगे कि क्या आया सोमोटो एक्शन में जो डिसीजन था वो ठीक था या नहीं था। पहले जितने भी सोमोटो एक्शन लिए गए थे उस पर कोई राइट ऑफ अपील नहीं था, तो ये भी ला के अगेंस्ट अगर किसी के खिलाफ कोई। ओके सर, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या इस बिल में ये भी है कि बेंच में कितने जजेस होंगे जो ये सोमोटो एक्शन जो है लिया जाएगा फ्यूचर में? वो उसमें है कि इसमें 3 जजेस होंगे। 3 जजेस मतलब 3 जजेस ले सकते हैं सोमोटो इस पे, एक बेंच मतलब फैसला कर सकते हैं, अकेले एक जज नहीं? अकेले नहीं, इससे पहले कमेटी होगी फर्स्ट 3 सीनियर मोस्ट जजेस की, वो एक्शन को देखेगा क्या इस पे हम सोमोटो ले सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक के पार्टिस है या नहीं, इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है या नहीं। तो वो कमेटी जब फैसला करेगी सो देयर आफ्टर दे विल टेक द सोमोटो एक्शन एंड द केस विल बी फिक्स्ड बिफोर द कोर्ट।